मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूँ संजना। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। सैफ अली खान के साथ क्लिनिक पहुंची करीना कपूर। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और सैफ अली खान बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं। हाल ही में उनकी कुछ फोटोज और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सैफ और करीना किसी डेट की बजाय क्लिनिक पहुंचे हैं। ये फोटोज मुंबई के एक क्लिनिक के बाहर की है। इस दौरान करीना एक ऑरेंज ड्रेस में थी, इसके साथ उन्होंने एक बटन डाउन श्रग लेयर किया था। मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपने बाल को साइड स्वेप्ट कर खुला रखा था। वहीं सैफ ग्रे टी शर्ट के साथ ब्लू डेनिम्स में नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो काफी सीरियस लग रहे हैं। क्लिनिक से बाहर निकलते ही सैफ और करीना गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने मीडिया के सामने पोज भी नहीं दिए। इन फोटोज के आने के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स करीना के प्रेग्नेंट होने के कयास लगा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया कि शायद प्रेग्नेंट है, वहीं दूसरे ने लिखा बेबी गर्ल नंबर 2। क्या वाकई प्रेग्नेंट है प्रियंका? हॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिया हिंट। प्रियंका चोपड़ा ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जो गाउन पहना था उसमें उनका बेली फैट दिखाई दे रहा था। उनके इस लुक के बाद प्रियंका की प्रेगनेंसी को लेकर फिर से कयास लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि हॉलीवुड एक्ट्रेस का कमेंट इन अफवाहों को मजबूत बनाता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की इंस्टाग्राम पोस्ट पर अमेरिकन एक्ट्रेस ओक्टाविया स्पेंसर ने लिखा स्टनिंग मैमासिटा, इंग्लिश में इसका मतलब होता है हॉट मोमा। उनका कमेंट प्रियंका की प्रेगनेंसी की खबरों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बता दें कि ओक्टाविया स्पेंसर को फिल्म अ किड लाइक जैक के प्रमोशनल इवेंट में प्रियंका के साथ स्पॉट किया गया था। प्रियंका और ओक्टाविया दोनों अच्छी दोस्त हैं। डेविड लेटरमैन के शो में शामिल हुए शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसके बाद से वो काफी चर्चा में आ गए। दरअसल शाहरुख न्यूयॉर्क में मशहूर कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के शो में शामिल हुए जिसकी उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की। शो के बारे में बात करते हुए शाहरुख ने लिखा कि वो कई सालों से डेविड के लेट नाइट टॉक शो देखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो डेविड के इंटरव्यू लेने की स्टाइल के बड़े फैन हैं। शाहरुख लिखते हैं कि वो इस शो में शामिल होकर काफी खुशी और प्राउड फील कर रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एयरपोर्ट लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हाल ही में अपने पति विराट कोहली के साथ एयरपोर्ट पर नजर आईं। विराट कोहली ने ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर प्ले स्टेशन लिखा हुआ था। अनुष्का शर्मा के टॉप पर पेरिस लव लिखा हुआ था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हर त्यौहार पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साथ में तस्वीरें भी अपलोड करते रहते हैं। जहां विराट कोहली की टीम इस आईपीएल में ट्रॉफी नहीं जीत सकी, वहीं अनुष्का शर्मा की पिछली फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। बता दें कि अनुष्का शर्मा की किसी भी आने वाली फिल्म को लेकर इन दिनों सुगबुगाहट नहीं है। रणबीर कपूर के पिता की भूमिका निभाने को तैयार है अजय देवगन। हाल ही में 50 साल के हुए अजय देवगन स्क्रीन पर बड़ी उम्र के किरदार निभाने के लिए भी तैयार हैं। वो कहते हैं कि मेरे समकालीन एक्टर स्क्रीन पर अपनी उम्र के किरदार निभाने के लिए ओपन हैं। सलमान खान भी अपनी फिल्म भारत में एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका में दिखेंगे। मेरा किरदार भी दे दे प्यार दे में अपने से बहुत छोटी लड़की से प्रेम करता है। लव रंजन की अगली फिल्म में रणबीर कपूर के पिता की भूमिका निभाने को लेकर अजय कहते हैं कि मुझे पिता की भूमिकाएं निभाने में कोई समस्या नहीं है। क्यों तैमूर को कंधों पे बिठाकर चलते हैं सैफ अली खान? सैफ अली खान को कई बार बेटे तैमूर को कंधों पर उठाए हुए देखा गया है। कम ही सेलिब्रिटी बच्चों को कंधों पर बैठाकर घूमते हैं। हाल ही में सैफ ने अरबाज खान के शो पिंच में शिरकत की। यहां उन्होंने तैमूर से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया। सैफ ने कहा तैमूर जहां भी जाता है मीडिया के कैमरे उसके आसपास होते हैं। तैमूर हाइट में मुझसे बहुत छोटा है। पहले जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता था तो वो भीड़ को देखकर मेरी तरफ ऊपर देखता था, मुझे बुरा लगता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसे कंधों पर बैठा लूं। बेटे को कंधों पर बैठाने की दूसरी वजह बताते हुए सैफ अली खान ने कहा वैसे भी अच्छा है ना कि तैमूर को मैं कंधों पर बैठाता हूँ। तैमूर खुद को सबसे लंबा महसूस करता होगा, वो भी इसे एंजॉय करता है। तैमूर अली खान सोशल मीडिया के स्टार हैं। पैदा होने के बाद से ही तैमूर मीडिया में छाए हुए हैं, उनकी हर एक तस्वीर वायरल होती है। तैमूर को मिल रही पॉपुलैरिटी और मीडिया अटेंशन को लेकर सैफ करीना परेशान भी रहते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणवीर सिंह और कपिल देव। रणवीर सिंह स्पोर्ट्स फिल्म 83 में बिजी हैं, इसमें वो पूर्व क्रिकेटर कपिल देव का रोल प्ले करेंगे। कुछ समय पहले दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें कपिल रणवीर को क्रिकेट की बारीकियां सिखाते नजर आए थे। कपिल और रणवीर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, दोनों दिल्ली से साथ में आ रहे थे। इस दौरान दोनों को पेपराजी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। खबरों के मुताबिक दिल्ली में रणवीर कपिल से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे थे और अपने कैरेक्टर को लेकर तैयारी कर रहे थे। कार्तिक आर्यन के साथ शूटिंग के बाद स्पॉट हुई सारा अली खान।
बॉलीवुड स्टार सारा अली खान और कार्तिक आर्यन मुंबई में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के बाद स्पॉट हुए। सारा अली इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लव आजकल 2 की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ पहली बार अभिनेता कार्तिक आर्यन स्क्रीन स्पेस शेयर करते दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में दोनों अक्सर ही साथ में स्पॉट किए जाते हैं। इस दौरान सारा काफ़ी सिंपल जंपसूट में दिखाई दे रही थी। सारा ने पेपराजी और अपने फैंस का हमेशा की तरह से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं कार्तिक आर्यन भी इस दौरान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। दबंग 3 में मौनी रॉय ने ली मलाइका अरोड़ा की जगह। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 इन दिनों चर्चा में है, जिसमें फिल्म की ओरिजिनल कास्ट सलमान और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में नजर आएंगे, लेकिन इस बार फिल्म में मलाइका अरोड़ा का गाना नहीं होगा। खबरों की माने तो दबंग 3 में गोल्ड एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने डांस का जलवा बिखेरेंगी। मौनी के इस गाने की शूटिंग अगले हफ्ते वसई स्टूडियो में होगी। इस गाने में जहां मौनी कुछ सेक्सी मूव्स परफॉर्म करेंगी, वहीं सलमान भी इसमें अपने हुकअप स्टेप्स करते हुए दिखाई देंगे। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।